एवरीवन, आज हम कंपनी लॉ का जो है एक टॉपिक रिवाइज करेंगे जो कि है हमारा विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग का मीनिंग क्या होता है, करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सारे इसके अंदर टॉपिक जो है हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम मीनिंग करते हैं विसल ब्लोइंग का। मीनिंग ऑफ विसल ब्लोइंग, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, विसल ब्लोइंग मीन्स सीटी बजाना। तो जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन जो है जब भी कोई रूल तोड़ रहा है वहां पे तो सीटी बजा देते हैं, वैसे ही इस टर्म का यूज जो है डॉगेट जे के द्वारा किया गया। और क्यों किया गया, ज्यादातर गवर्नमेंट एजेंसीज में पहले इसका यूज किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के करप्शन को डिस्क्लोज करने के लिए जो है विसल ब्लोइंग का यूज किया जाता था। लेकिन अब पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में इसका यूज जो है होने लगा है। तो विसल ब्लोइंग का क्या मतलब हुआ कि जब भी जो है कंपनी में किसी तरह का इलीगल काम हो रहा है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डिस्क्लोज होना जरूरी है, तो कंपनी का ही कोई मेंबर जो है जब उस चीज को डिस्क्लोज कर देता है उसको हम विसल ब्लोइंग बोलते हैं। तो विसल ब्लोइंग में जो है कई तरह की एक्टिविटीज विसल ब्लोइंग से रिलेटेड हो सकती है। जैसे ऐसी कोई भी एक्टिविटी कंपनी में हो रही है जो कि किसी की हेल्थ या सेफ्टी से रिलेटेड है, मतलब सेफ्टी या हेल्थ को डेंजर में डाल रही है, फिर एनवायरमेंट को डेंजर में डाल रही है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो रहा है, या कंपनी कोई रूल्स और रेगुलेशंस को जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर जरूरी है उनको फॉलो नहीं कर रही है, तो कंपनी का कोई भी मेंबर या फॉर्मर मेंबर जो है इस चीज को मीडिया के आगे, आउटसाइडर्स के आगे जो है डिस्क्लोज कर सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज के आगे जो है डिस्क्लोज कर सकता है, और उसी डिस्क्लोजर को हम जो है विसल ब्लोइंग बोलते हैं। सेकेंड आया आपका मीनिंग ऑफ विसल ब्लोअर। अब विसल ब्लोअर कौन होता है, तो ये कंपनी का कोई मेंबर या फॉर्मर मेंबर होता है जो कि इलीगल एक्टिविटीज को डिस्क्लोज करता है। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कंपनीज में होने वाली इलीगल एक्टिविटीज को, क्रिमिनल ऑफेंस को मीडिया के आगे या गवर्नमेंट एजेंसीज के आगे या फिर इंटरनल मैनेजमेंट के आगे जो है डिस्क्लोज करता है, तो उस इंसान को, उस पर्सन को जो है हम विसल ब्लोअर बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ विसल ब्लोइंग, कि विसल ब्लोइंग के क्या फीचर्स हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला फीचर आ गया इसका मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट। कि विसल ब्लोइंग में सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है, उन्हीं क्रिमिनल एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को डैमेज कर रही हो। अगर किसी पर्सनल इंटरेस्ट के डैमेज की वजह से विसल ब्लोइंग की जाती है तो वो विसल ब्लोइंग की एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं की जाएगी। जैसे किसी कंपनी में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है जिसका इफेक्ट पूरी पब्लिक पे या कंपनी के सभी मेंबर्स पे पड़ रहा है तो उसको डिस्क्लोज करना विसल ब्लोइंग कहलाएगा, लेकिन किसी एक पर्सन के लिए वो इफेक्ट कर रहा है तो वो डिस्क्लोजर जो है पब्लिक विसल ब्लोइंग के अंदर जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। विसल ब्लोइंग का हमारा सेकेंड करैक्टरिस्टिक है डिस्क्लोजर बाय द मेंबर्स एंड द फॉर्मर मेंबर्स ओनली। यानी कि जो विसल ब्लोअर होना चाहिए वो या तो कंपनी का मेंबर होना चाहिए या कोई फॉर्मर मेंबर होना चाहिए। अगर कोई आउटसाइडर जो है वो किसी एक्टिविटी का डिस्क्लोज करता है तो वो विसल ब्लोइंग एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को अगर मीडिया डिस्क्लोज करती है
या गवर्नमेंट एजेंसीज डिस्क्लोज करती है या कोई भी ऐसा पर्सन डिस्क्लोज करता है जो कंपनी का मेंबर या फॉर्मर मेंबर नहीं है, तो वो विसल ब्लोइंग नहीं कहलाएगा। कंपनी के अंदरूनी जो मेंबर्स हैं या फॉर्मर मेंबर्स हैं जो कंपनी के साथ जुड़े हैं, उन्हीं के द्वारा डिस्क्लोज की गई एक्टिविटी को हम विसल ब्लोइंग में शामिल करेंगे। नेक्स्ट फीचर आ गया हमारा बेस्ड ऑन एन appropriate moral motive, कि जब भी एक विसल ब्लोअर जो है डिस्क्लोजर करता है किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी का, इलीगल एक्टिविटी का, तो वो मोरल मोटिव के साथ होना चाहिए। उसको पर्सनल किसी तरह का प्रॉफिट हो रहा है उस डिस्क्लोजर से, तो वो विसल ब्लोइंग की एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मान लो मैं किसी मैनेजमेंट के मेंबर को एक तरह से उसको बोल रही हूं कि मैं तुम्हारी इस एक्टिविटी को डिस्क्लोज कर दूंगी, अगर जो है तुम मुझे 10 लाख रुपए देते हो तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, तो वो मेरे पर्सनल प्रॉफिट के लिए जो है मैं अगर डिस्क्लोजर की धमकी दे रही हूं तो वो विसल ब्लोइंग नहीं कहलाएगी। उस विसल ब्लोइंग सिर्फ मोरल मोटिव होना चाहिए, तभी वो डिस्क्लोजर जो है विसल ब्लोइंग में इंक्लूड किया जाएगा। और लास्ट फीचर आ गया हमारा विसल ब्लोइंग इज डन वॉलेंट्री कि विसल ब्लोइंग की एक्टिविटी विसल ब्लोअर के द्वारा वॉलेंट्री की जानी चाहिए। अगर ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी एक्टिविटी को डिस्क्लोज करना, तो वो विसल ब्लोइंग में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे मिसमैनेजमेंट हो रही है तो डायरेक्टर्स या जो भी सीईओ वगैरह है तो उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मिसमैनेजमेंट को ठीक करे। वो किसी और तरीके से वो मीडिया में डिस्क्लोज कर देते हैं तो वो एक्टिविटी विसल ब्लोइंग में इंक्लूड जो है नहीं की जाएगी। ये थे आपका मीनिंग ऑफ विसल ब्लोइंग विद विसल ब्लोअर क्या होता है और विसल ब्लोइंग के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। आप इसको फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो मुझे बता कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।